हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस की यूनिट 3 को, और आज का हमारा टॉपिक है CTD। और CTD जिसको हम कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं, CTD को कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये CTD क्या होता है, इसका किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या फॉर्मेट है इसका, मीन्स इसके CTD के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो है CTD, ये हमने ये सब इसका फुल फॉर्म बताया कि ये इसे हम कहते हैं कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। मीन्स कि ये क्या है, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट फिलअप किए, अगर इसके हम पहले ये जो इसका टर्म है, ये जो इसका नाम है, इससे ही एक मीनिंग निकालते हैं, तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट का एक कॉमन फॉर्मेट है। सो जो भी है हमारा ये CTD यानी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इट्स अ कॉमन फॉर्मेट। पहली बात तो ये हो गया कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक कॉमन फॉर्मेट है। एंड डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे जो किस तरीके के डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट होंगे टेक्निकल डॉक्यूमेंट। सो इट्स अ कॉमन फॉर्मेट फॉर द टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब जो ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट हम के लिए फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है, तो ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए, जो हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, तो जनरली हम डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट किसी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, या कहीं पे हमें कुछ अप्लाई करना है, मीन्स कि हम एप्लीकेशन के लिए इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, तो यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन फिल करेंगे, वो अगर हमें किसी ड्रग का अप्रूवल लेना है, किसी नई ड्रग का, किसी न्यू ड्रग का अप्रूवल लेना है, या किसी ड्रग का अप्रूवल लेके उसका हमें, यहाँ पे हम किसी नई ड्रग का अप्रूवल फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशन, यानी कि किसी नई ड्रग का हमें मार्केटिंग ऑथराइजेशन का अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए जिस भी कंट्रीज में हमें, जिन भी कंट्रीज में मार्केटिंग करनी है, वहां पे एक एप्लीकेशन फिलअप करना होगा रेगुलेटरी बॉडीज को। रेगुलेटरी बॉडीज को हमें एक एप्लीकेशन फिल करना होगा, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज फिर आपके प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगी, जो कि आपने एप्लीकेशन में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस दी हैं, उन इन्फॉर्मेशंस का रिव्यू करेंगे, देन वो आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग ऑथराइजेशन का अप्रूवल देंगे। सो CTD यानी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ये है हमारा एक कॉमन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि हम सबमिट करते हैं ड्यूरिंग द फाइलिंग एंड एप्लीकेशन टू द रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल ऑफ एनी ड्रग प्रोडक्ट और एनी न्यू ड्रग प्रोडक्ट। और ये जो हमारा, यानी कि ये हमने देख लिया कि ये क्या है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो कॉमन फॉर्मेटिंग का मतलब है कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए होंगे। सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस का मतलब कि किस तरीके से मार्केटिंग अप्रूवल के लिए किस तरीके से डाटास को सबमिट करना है, अरेंज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में। सो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जनरल एक, ये क्या है, इट्स अ सिंपल कॉमन फॉर्मेट फॉर द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन विच इज फाइल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ड्यूरिंग फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर एनी ड्रग्स मार्केटिंग अप्रूवल टू द रेगुलेटरी बॉडीज। और ये जो CTD है, ये किन किन, ये एक तरीके का हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो कॉमन फॉर्मेट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट है। इट्स अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट का मतलब, ये जो
हमारा CTD है, ये इंटरनेशनली यूज किया जा सकता है, मींस कि एक कंट्री में नहीं, मोर देन वन कंट्रीज में ये यूज किया जा सकता है। सो CTD जो डिजाइन किया गया है, ये किन किन कंट्रीज में यूज किया जा सकता है? इज डिजाइन टू यूज ये यूरोपियन कंट्रीज में, जापानीज कंट्रीज में जो जापान में यूज किया जा सकता है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। इन तीन नेशंस में, ये जो भी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में जो भी कंट्रीज आएंगे, जो नेशंस आएंगे, वहां पे CTD यूज किया जा सकता है या यूज किया जाता है फॉर द मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल जापान में और यूनाइटेड स्टेट्स में। इन तीनों की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में CTD एक कॉमन टेक्निकल फॉर्मेट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा CTD का जनरल इंफॉर्मेशन। फिर फर्दर 2002 में, अब ये जो यूरोप में यहाँ पे ये अलग अलग इनकी कंट्रीज है, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यूरोप में आप सबमिट करेंगे, जापान में सबमिट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट में सबमिट करेंगे, तो इनकी रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट करेंगे कि जो इस फॉर्मेट का रिव्यू करेंगे, बट जो फॉर्मेटिंग होगी वो सेम होगी, जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो सेम होगी। जैसे यूरोप में, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी एजेंसी होगी उसका नाम है EMEA, यानी यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी। जापान में अगर हम करना चाह रहे हैं, देन MHLW, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड यूनाइटेड स्टेट्स की वेल नोन रेगुलेटरी एजेंसी है, वो है USFDA, यानी यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो CTD का इंटरनेशनली एग्रीमेंट फॉर्मेट है, इसका यूरोपियन कंट्रीज में, जापान में, यूनाइटेड स्टेट में यूज किया जाता है। अगर यूरोपियन कंट्रीज में हम इसका एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, देन हमें EMEA यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को फिल करना होगा, ये रेगुलेटरी बॉडीज होंगी MHLW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर इन जापान, एंड यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन US। अब हमारी जो CTD था, ये फर्दर कुछ एजेंसीज के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ। ये हुआ 2002 में, CTD का ICH के साथ कोलैबोरेशन हुआ। ICH मींस की इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनली जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, ड्रग प्रोडक्ट के लिए एक सिमिलर गाइडलाइंस जारी करने का, कि मींस जो भी ड्रग प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं इंटरनेशनली वो क्या हो, एक सिमिलर हो, उसमें कुछ सिमिलरिटीज हो, तो उसके लिए ICH ये एक काउंसिल है जो कि एक हार्मोनाइजेशन गाइडलाइंस देती है। तो ICH के ने 2002 में ICH का कोलैबोरेशन हुआ CTD के साथ, और इन्होंने CTD के लिए एक कंबाइंड गाइडलाइंस जारी की। और फर्दर 2004 में TGA ने इनकी गाइडलाइंस को भी एक्सेप्ट किया। TG मीन्स थेरापेटिक्स गुड एप्लीकेशंस। इन्होंने भी 2004 में इनकी जो ICS और CTD की गाइडलाइंस है इसको एक्सेप्ट किया। सो अब जो CTD और ICH की जो, यहाँ पे ICH की जो गाइडलाइंस है फॉर द CTD की कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के लिए, कौन सी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशंस की गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी ICH की M4Q सेक्शन में, M4Q गाइडलाइन, M4S गाइडलाइंस एंड M4E गाइडलाइंस। यहाँ पे आपको ICH की जो भी CTD यानी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो ये हो गया हमारा कॉमन जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द CTD। अब हम देखते हैं कि CTD यानी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट का एम क्या था, क्यों ये फॉर्मेट जारी किया गया, क्यों ये फॉर्मेटिंग का यूज किया गया। तो अगर इंटरनेशनली किसी भी ड्रग के मार्केटिंग अप्रूवल के लिए हमें एप्लीकेशन फाइल करना है, और अगर उसके लिए एक कॉमन फॉर्मेट होगा, तो इस कॉमन फॉर्मेटिंग से टाइम का भी
बचत होगी, ये क्या करेगा, रिड्यूस टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम और रिसोर्सेज दोनों की ही बचत होगी, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होगा। देन जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल का मतलब कि किस तरीके से हमें ये जो CTD है इसकी फॉर्मेट जो सबमिट करना है वो किस तरीके से पेपर्स में सबमिट करना है, तो इसको जो CTD का डॉक्यूमेंटेशन होगा वो A4 साइज के पेपर में होगा, A4 साइज के पेपर में, यानी कि जो प्रिंटेड जो भी फॉर्मेटिंग है इसका अगर प्रिंट कराया जाएगा तो A4 साइज के पेपर में होगा, और ये कहाँ के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए एंड जापानीज के लिए, और USFDA के लिए, US यानी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये 8.4x11 इंच के पेपर में सबमिट किया जाएगा। और इसकी जो लेफ्ट हैंड मार्जिन होगी, जो भी ये CTD डॉक्यूमेंट्स है इसकी लेफ्ट हैंड मार्जिन इनफ होनी चाहिए, ज़्यादा होगी लेफ्ट हैंड मार्जिन एज कम्पेयर टू राइट हैंड मार्जिन। क्यों, ये क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि अगर ये बाइंडिंग कराते समय लेफ्ट हैंड मार्जिन यानी कि पेपर का ये जो साइड है अगर इधर मार्जिन कम रहेगी तो ड्यूरिंग बाइंडिंग जो टेस्ट है हमारे जो भी वर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी अफेक्टेड हो सकती है। ऐसा ना हो इसके लिए लेफ्ट हैंड मार्जिन इनफ होनी चाहिए। जो फंट होंगे वो टाइम्स न्यू रोमन में होंगे, इसकी जो फंड्स होंगे वो होंगे टाइम्स न्यू रोमन में, फंड साइज होगी 12 फंड साइज होगी, और एवरी पेज, हर पेज पे नंबरिंग होगी, एवरी पेज शुड बी नंबर्ड, और जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखे जाएंगे, जो भी टेक्स्टिंग होगी वो टेक्स्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम फॉर्मेटिंग उनकी क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये था हमारा CTD का इंट्रोडक्शन, एम और उसके जनरल प्रिंसिपल। अब हम देख लेते हैं CTD गाइडलाइंस के बारे में कि अगर हमें CTD एप्लीकेशन फिल करना है यानी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंटिंग को डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, तो CTD की जो डिज़ाइनिंग होती है, CTD गाइडलाइन की जो डिज़ाइन होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है, 5 तरीकों से इसकी जो 5 मॉड्यूल्स हैं उन 5 तरीकों से CTD गाइडलाइन मिलती है हमें। तो सबसे पहला है ये मॉड्यूल 1, फर्स्ट इज मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 यानी 5 मॉड्यूल्स में टेक्निकल डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है, मॉड्यूल 1 टू 5। पहला हम देखेंगे मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में जो आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है यानी कि ये मॉड्यूल जो है कि अगर ओवरऑल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमें तैयार करना है तो उसको 5 मॉड्यूल्स में तैयार करना होगा, ये उसका डिजाइनिंग का तरीका है। तो पहले मॉड्यूल 1 में जो होती है, यहाँ पे हमारी मॉड्यूल 1 में हमें देनी होगी रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन हमें देनी होगी मॉड्यूल 1 में। रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब कि जिस भी, जैसे कि CTD हमारा 3 तरीके की कंट्रीज में यूज होता है, वो यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट और जापान में, तो किस रीजनल बॉडी के लिए हम सबमिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। देन मॉड्यूल टू हमारा ये आपका 7 पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से 7 पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा मॉड्यूल 2 के फर्स्ट पार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हम मॉड्यूल 2 में दे रहे हैं उसका पूरा एक ओवरव्यू होगा। देन मॉड्यूल 2 7 सेक्शन में होगा, तो ये पहला हो गया 2.1 में टेबल ऑफ कंटेंट, 2.2 में जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट जो कि जो भी हम ड्रग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसकी फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें देनी होगी,
उसकी फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन की मीन्स उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, उसका फार्माकोलॉजिकल क्लास बताना होगा कि किस कैटेगरी की हमारी ड्रग है, और उसके साथ उसका मोड ऑफ एक्शन एंड प्रपोज क्लिनिकल यूज, किस क्लिनिकल यूज के लिए ये ड्रग हमारी यूज की जा रही है या ड्रग हमारी फॉर्मुलेट की जा रही है। तो मॉड्यूल 2 में दो सेक्शन हुए, 2.1 में टेबल ऑफ कंटेंट एंड 2.2 में हम जनरल इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन, फार्माकोलॉजिकल मोड ऑफ एक्शन एंड प्रपोज क्लिनिकल यूज ऑफ फॉर्मुलेशन। जो ये 2.2 वाला जो सेगमेंट होगा, यहाँ पे जो जनरल इंट्रोडक्शन जनरल इंफॉर्मेशन आप देंगे, ये नॉट एक्सीड वन पेज, नॉट मोर देन वन पेज, ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक पेज से ज्यादा में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 2.3 जो सेक्शन है, इसमें हम क्या देंगे, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे क्वालिटी समरी ओवरव्यू के बारे में। क्वालिटी ओवरव्यू का मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या मेथड्स को यूज किया गया है उसके बारे में, मींस की जैसे कि QA QC से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। देन आपका आ जाएगा 2.4 में हम नॉन क्लिनिकल जो टेस्टिंग की गई है, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसमें जो नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग की गई है, मीन जो इन विट्रो और जो एनिमल्स के ऊपर जो स्टडी की गई है उसका ओवरव्यू देंगे, और फिर 2.5 में उसकी समरी देंगे। समरी का मतलब ओवरव्यू और समरी में ये डिफरेंस है, ओवरव्यू में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रोसीजर को यूज किया जाएगा, और समरी में जब हमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया, उस प्रोसीजर को परफॉर्म किया तो हमें क्या रिजल्ट मिलके आया। देन 2.6 एंड 2.7 में क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल समरी का ओवरव्यू होगा, क्लिनिकल जो भी टेस्ट किए जाएंगे उनका एक ओवरव्यू होगा और उसकी क्लिनिकल समरी देंगे। तो हमारा मॉड्यूल 2 CTD का ये 7 सेक्शंस में डिवाइड है। देन आ जाते हैं हम किस पे, मॉड्यूल 3 पे। मॉड्यूल 3 हमारा क्वालिटी से रिलेटेड है, यहाँ पे हमें क्वालिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होगी, और क्वालिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सब इसमें मॉड्यूल 3 में सबमिट करनी होगी। और ये जो हम क्लिनिकल समरी दे रहे हैं, क्लिनिकल समरी ICH गाइडलाइंस के M4S में, यहाँ पे इससे रिलेटेड समरी क्या गाइडलाइंस है, CTD में क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी वो ICH के M4S गाइडलाइन में मिल जाएगी। देन आपका आ जाता है मॉड्यूल 4 में हम नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स देंगे। नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे हमने टेस्ट परफॉर्म किए, जो इन विट्रो टेस्ट किए, जो एनिमल स्टडीज की, कितने वॉलंटियर, कितने हमने एनिमल्स यूज किए, किस तरीके के स्पीसीज का यूज किया, सब में क्या क्या रिजल्ट आया वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देन मॉड्यूल 5 इज अबाउट क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे जो हमने ह्यूमन वॉलेंटियर्स के ऊपर जो टेस्ट किया उनका क्या रिस्पॉन्स आया, उनका क्या रिजल्ट आया, वो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम देंगे। तो ये थे मॉड्यूल जो CTD के 5 मॉड्यूल्स, इन्हीं 5 मॉड्यूल्स में CTD एप्लीकेशन फॉर्मेट फिल किया जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।